सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप की। लाइक अगर आपको बिल्ड 90,000 है, 90,000 के प्राइस रेंज में अगर आपको हार्ड कोर गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, एंड अगर आपको बिल्ड 90,000 है, आज मैं आपको 3 लैपटॉप बताऊंगा जो कि आप सभी के लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं। गेमिंग के साथ साथ भी अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रीमियर प्रो पर काम करना है, एडवांस रिजॉल्व पर काम करना है, फोटोशॉप यूज़ करना है, कॉलर ड्रॉ यूज़ करना है, या कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आप सभी कर सकोगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हो तो आप सभी के लिए भी ये लैपटॉप अच्छे होने वाले हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं लैपटॉप की। तो अभी बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। लाइक अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप के साथ साथ भी अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, आपको किन लैपटॉप की ओर जाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं नंबर थ्री पर, यार मैंने रखा है HP की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ HP Victus की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये लैपटॉप आपको 2021 मॉडल देखने को मिलेगा, अगस्त में लॉन्च हुआ था। स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, 16.1 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ, आपको Ryzen 7 देखने को मिलेगा 5800H के साथ। 8 कोर का ये प्रोसेसर है। 8GB रैम मिलेगी, 32GB रैम पकड़ करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिल जाती है। RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा, 1315 Ti देखने को मिलेगा 4GB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 देखने को मिल जाती है, 2019 वर्जन आपको MS Office मिलेगा। ऑल पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब आपको पोर्ट्स की कमी नहीं आएगी। HDMI पोर्ट हो गया, USB पोर्ट हो गया, वो सभी मिल जाते हैं। बैकलिट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, 720p वेब कैमरा मिल जाता है, Alexa बिल्डिंग मिलेगा, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ आपको 4.2 देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो 90,000 से लेके 95,000 के प्राइस रेंज में अभी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है HP Victus। तो भाई अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भाई आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। लाइक फॉर गेमिंग के लिए, फॉर वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो मैं आगे आपको लैपटॉप बताऊंगा वो इससे भी अच्छे होने वाले हैं। अभी आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो यार नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर मैंने रखा है लाइक ASUS की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूं ASUS TUF F15 की। तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम करनी है या ज़्यादा गेमिंग करनी है ना, तब भी आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हैं। ये गेमिंग डिज़ाइन में देखने को मिलेगा, लुक वगैरह अच्छा है, एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, एंड इसका कूलिंग सिस्टम वगैरह हो गया, थर्मल वगैरह हो गया, वो अच्छे हैं, कोई कमी नहीं आएगी। इसको 4.5 रेटिंग मिल जाती है Amazon पर, जिन्होंने भी बाय किया है वो पॉजिटिव कमेंट ही कर जाती हैं। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, 100% आपको sRGB के साथ देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है। i5 11th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 देखने को मिल जाती है, MS Office 2021 देखने को मिलेगा, RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा। इसमें ना आपको 3060 देखने को मिलेगा 6GB के साथ, 16GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिलेगी, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। 16 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं, अभी ये Amazon पे अवेलेबल है। लाइक आपको ये लैपटॉप ना 90,500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। एंड ये लैपटॉप ना 2 कलर्स में देखने को मिलता है, व्हाइट कलर में एंड ब्लैक कलर में। जो कलर आपको सही लगता है भाई, आप उस कलर की ओर जा सकते हो। मेरी ओर से रिकमेंड आपको ये है कि भाई आप व्हाइट कलर की ओर जाना, वो थोड़ा सा ज़्यादा सूट करता है इस लैपटॉप को, ठीक है। वैसे अपनी अपनी चॉइस है, जो आपको सही लगता है आप ले सकते हो। बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पर मैंने रखा है Acer की ओर से लैपटॉप। तो सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं। यार ये लैपटॉप आपको 85,000 के प्राइस रेंज में भी मिल जाता है, 90,000 के प्राइस रेंज में भी, एंड कभी कभी इसका प्राइस 92,000 होता है। लाइक इतने प्राइस रेंज में ये रहता है। एंड इसके स्पेसिफिकेशन यार सच में बहुत अपर है। स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिर पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। कंक्लूजन वीडियो के एंड में दूंगा। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, i5 12th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इसके स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं। यार 12 कोर का ये प्रोसेसर है, 8GB रैम देखने को मिलेगी, 32GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 512GB आपको SSD मिल जाती है, RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा 15 4GB के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 मिल जाती है, पोर्ट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे, RGB बैकलिट कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाता है इस Nitro 5। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इस लैपटॉप के भी बता दिया। तो भाई अगर आपको जाना है इससे Nitro 5 के हो तो भाई आप जा सकते हो। इसके थर्मल वगैरह हो गए, इसकी बिल्ड क्वालिटी होगी, एंड इसका जो प्रोसेसर है ना, लाइक इतने प्राइस रेंज में आपको i5 12th जनरेशन देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये लैपटॉप
80,000 या 85,000 के प्राइस रेंज में मिल जाता है ना, तो भाई किसी और लैपटॉप की अगर आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 85,000 के प्राइस रेंज में भी ये मिलता है ना, तो भाई ले लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो मेरी और से रिकमेंड आपको यही है, अभी अगर आपको हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, तो आप ASUS लैपटॉप की ओर जाओ, बिकॉज उसमें आपको 6GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, गेमिंग वगैरह भी करनी है, तो आप इस Nitro 5 की ओर जा सकते हो, बिकॉज इसका प्रोसेसर बहुत अपर है। तो ये थे गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सभी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग लैपटॉप बता दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू।